हाँ गाइज, मुझे पता है आप लोग ग्रैंड मास्टर जाना चाहते हो लेकिन जा नहीं पा रहे हो, क्योंकि गाइज आप लोगों के पास सही तरीका नहीं है कि कैसे आप लोग ग्रैंड मास्टर जाओगे। तो गाइज इस टाइम में ग्रैंड मास्टर जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है गाइज, 99 स्टार करना कोई बच्चों के खेल नहीं है। आप लोग बहुत ही मेहनत करते हो लेकिन फिर भी नहीं जा पाते हो। तो गाइज आप लोगों को कुछ सही से गाइड करना होगा जिसकी मदद से आप लोग जा सकते हो। तो गाइज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बताऊंगा जिसकी मदद से आप लोग ग्रैंड मास्टर जा सकते हो। और गाइज मैं यहाँ पर ग्लिच भी बताया और गाइज ग्रैंड मास्टर 99 स्टार आप लोग कैसे लगा सकते हो वो भी बताया। तो गाइज वीडियो के एंड तक देखना होगा। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्यूचर बता देता हूँ कि ग्रैंड मास्टर सिर्फ कितने परसेंट लोग आप लोग जा सकते हो। तो गाइस देखो, आप लोगों को एक चीज बताने वाला हूं कि अभी तक जो वीडियो है मेरा 30% बंदा छोड़ के चला गया था, अभी बचा है 70% बंदा। और 70% बंदे से भी कुछ बंदा इस बात सुनने के बाद भी चला गया था, तो बचे 50% लोग। मेरा वीडियो का लास्ट तक जाते जाते मेरा 50% बंदे से 10% हो जाएगा। तो गाइस ग्रैंड मास्टर पहुंचेगा सिर्फ 10% लोग। तो गाइस अगर आप लोगों को ग्रैंड मास्टर जाना है तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा गाइड किया हूं। गाइड करने के बाद ही मैं यहां पर बहुत ही सोच समझ के ये वीडियो बनाया, क्योंकि देखो यार सीएस रैंक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, क्योंकि ये बोरिंग मैच नहीं। एक मैच चलने के साथ साथ मैच लाग जाता है, जैसे बीआर रैंक में होता है कि बहुत टाइम होने के बाद एक मैच खत्म होता है, यहाँ पर नहीं। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोग कैसे 99 स्टार लगा सकते हो और ग्लिच भी बताऊंगा। तो गाइस वीडियो के एंड तक देखना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो आप लोगों को सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और अगर आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखना है ग्लिच वीडियो, हर एक मैच कैसे विन कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप लोग देख सकते हो या मेरे चैनल में विजिट करके देख सकते हो। तो देखो यार, अगर आप लोग रैंडम बंदों के साथ भी खेलने वाले हो तो एक ही ट्रिक होने वाला है, और अगर आप लोग खुद की स्क्वाड के साथ खेलने वाले तो एक ही ट्रिक होने वाला है। तो गाइस मुझे पता है आप लोग दिन रात मेहनत करते हो लेकिन आप लोग नहीं जा पाते हो। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को जो ट्रिक 99 स्टार का ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम 3x स्पीड में आप लोग 99 स्टार जा सकते हो। तो कैसे? तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एक आप लोग ट्रस्टेड फ्रेंड ढूंढना जिसको तुम्हारा आईडी देने से मतलब कुछ नहीं होगा, यानी कि आप लोग आईडी चोरी नहीं हो जाएगा, यानी कि आपका आईडी लेके नहीं भाग जाएगा। तो गाइस आप लोग एक काम करना, आपको एक फ्रेंड को आईडी देना, और आईडी देने के बाद आप लोग टाइम फिक्स करना, क्योंकि देखो आप सुबह से लेकर शाम तक खेलो और उसको बोलो शाम से लेकर रात तक खेलने के लिए, आप लोग दोनों डिवाइड कर लो कि आप सुबह से खेलो और शाम में खेले। तो गाइस इसमें क्या होगा, आपको जो है 3x बूस्ट में आप लोग का रैंक पुश होगा, और गाइस आप लोग का स्टार भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, और गाइस आप लोगों को प्रेशर भी नहीं पड़ेगा कि दिन भर खेल रहे हो, मम्मी पापा भी डांट रहे हो और भी बहुत ज्यादा काम भी होता है। तो गाइस देखो यार, आप लोग अगर दोनों टाइम डिवाइड करके आप लोग दो फ्रेंड मिलकर खेलोगे तो आप बहुत ही अच्छा होगा, आप लोगों को बहुत ही 3x स्पीड में आपका जो आईडी है जो बूस्ट होगा। और गाइस देखो, ऐसे एक बंदे को आईडी देना, ऐसे एक फ्रेंड को आईडी देना कि जो भी अच्छा खासा खेल लेता है, ऐसे नहीं कि 9 बंदे को दे दिया। गाइस अगर 9 बंदे को देते हो तो तुम्हारा माइनस सब लगा देगा। तो गाइस ऐसे एक फ्रेंड को चुनना जो अच्छा खासा खेलता है और ट्रस्टेड बंदा है। तो गाइस बहुत ही ज्यादा बंदा है अभी जो ग्लिच सुनने के लिए वेट कर रहा है। तो गाइस ग्लिच कुछ नहीं है, तुम एक टीम क्रिएट करो और तुम्हारे दोस्त को बोलना है कि एक टीम क्रिएट करने के लिए, तो तुम्हारा टीम में प्रॉपर बंदा लेना और तुम्हारे दोस्त को बोलना कि वो वर्ल्ड से मतलब नोबड़े बंदा रहे, तो वर्ल्ड से जितने भी बंदा आता है नोबड़े आता है। तो गाइस इसमें क्या करना है, आप लोग दोनों को एक साथ मैच स्टार्ट कर देना, और एक साथ मैच स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाएगा एस्टिमेटेड जो टाइम होता है वो सेम होना चाहिए, सेम होने के बाद आप लोग मैच स्टार्ट कर दोगे। तो गाइस ये कैसे होता है, अब जो एक्चुअली आप लोगों का जो लास्ट डिजिट आईडी का लास्ट डिजिट होता है, यानी कि लास्ट नंबर, वो हमारे दोस्त जो होता है उसका आईडी से सेम होना चाहिए, और तुम लोग कॉन्टेक्ट में रखो और रखने के बाद एक साथ मैच स्टार्ट कर दो। इसमें क्या होगा, आप लोग एक ही स्टार में होना चाहिए, यानी कि आप लोग अगर ग्रैंड मास्टर में हो तो आपका दोस्त को भी ग्रैंड मास्टर होना चाहिए, अगर आप मास्टर 50 स्टार में हो तो आप लोग फ्रेंड को भी मास्टर 50 स्टार में होना चाहिए। तो गाइस यही था ग्लिच, अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर बताना, और क्या क्या वीडियो में चाहिए आप लोगों को बताना। तो गाइस आप लोग हो सके तो सपोर्ट कर देना। तो चलता हूं, बाय।